बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और ख़ासतौर से मेरी दीनी बहनें अगर हमारी बात सुन रही हैं, और अगर दीनी बहनें नहीं सुन रही हैं तो जो हमारे दीनी भाई हैं वो अपने घर की ख़वातीन तक इस बात को अच्छे से समझा दें। दीन के मामले में बनिस्बत मर्दों के औरतें ज़्यादा जाहिल होती हैं। माफ़ करना, ये जुमला बड़ा कड़वा मैं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है। दीन के एतबार से बहुत दूर होती हैं औरतें। जितनी खुराफात, जितनी बिदात, जितनी रसूमात, दीन के खिलाफ बातें, दीन के खिलाफ जो बातें, उनको दीन समझना और दीन समझकर चलना, ये जितना औरतों में पाया जाता है उतना मर्दों में नहीं पाया जाता। मर्द तो बहुत सी मरतबा दीन की तशरीहात सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उलमा के पास बैठ जाते हैं, जुमे के बयानात होते हैं, दीनी इज्तिमात होते हैं, वहां पर उनके कानों में तो दीन की बहुत सारी बातें पड़ जाती हैं, समझ लेते हैं वो। लेकिन औरतें कैसे, औरतों को दीन के लाइन से कोई बात समझाई नहीं जाती। हमारे ये जो चैनल का आगाज करने का मकसद खासतौर से यही है कि ऐसे लोग जो उलमा के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, कम से कम उनको इस जरिए से दीन की ऑथेंटिक सही बात उन तक पहुंचे, और इसका फायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों को दीन की बहुत सारी बातें मालूम हुई और उन्होंने सही अपनी राह जिंदगी के एतबार से सही शरीयत पर चलने की उन्होंने कोशिश भी की है। बहरहाल, आज मुझे जो अर्ज करनी है बात ये कि जैसे औरतों में नापाकी और पाकी के एतबार से गलतफहमी पाई जाती है, जैसे हर माह औरतों के साथ नापाकी का मसला लगा हुआ है, तो ये जो औरतें यानी बच्चियां जब जवान होती है तब से लेकर जब तक उनकी ये नापाकी बंद नहीं हो जाती, तब तक उनके साथ हर महीने ये बात लगी हुई है कि उनको नापाकी का खून जाता है। अब उसमें क्या है, वो समझती हैं अगर 4 दिन में 5 दिन में 6 दिन में अगर खून बंद हो गया, पाक हो गई, तो ये समझती हैं जब तक 7 दिन पूरे नहीं होंगे मैं नापाक ही हूं। 4 दिन 5 दिन में अगर ब्लड आना बंद हो गया, पाक हो गई, उनको लगता है कि अब खून नहीं आएगा, तो उसके बाद भी क्या सोचती है, नहीं जब तक 7 दिन पूरे नहीं हो जाएंगे अभी तो मैं नापाक ही हूं, और नमाजों से दूर है, अपने शोहर से दूर है, कुरान करीम से दूर है, अपने आप को नापाक समझ रही है। कहां से लाई हैं आप ये बात? भाई ठीक है, आमतौर पे औरतों को 6 दिन 7 दिन जाता है, लेकिन अगर किसी औरत को अगर ये ब्लड 5 दिन में बंद हो जाए, 4 दिन में, बहुत सारी ऐसी भी औरतें जिनको 3 दिन में ब्लड बंद हो जाता है, कम से कम 3 दिन है उसका, जो हनफी मसलक की रोशनी में, जो हदीस की रोशनी में उन्होंने समझा है, 3 दिन में बंद हो गया, 4 दिन में बंद हो गया, तो हम आप 7 दिन का क्यों इंतजार कर रही हैं? अगर बंद हो गया, यकीन हो गया, आदत हमारी 4 दिन की है, तो 4 दिन के बाद गुसल करें, नमाज शुरू कर दें, पाक हो गई आप। ठीक यही मसला आता है वहां पर जहां किसी को बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद भी अगर किसी खातून को मान लो 20 दिन में 25 दिन में अगर ब्लड आना बंद हो गया तो वो पाक हो गई, लेकिन वो जब तक 40 दिन ना गुजर जावे अपने आप को नापाक समझती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसकी मुद्दत 40 दिन है, यानी 40 दिन तक भी अगर ब्लड आना बंद नहीं हुआ तो 41वें दिन से वो नमाज रोजे शुरू कर दे भले ब्लड आ रहा हो, ये मसला अपनी जगह है। लेकिन अगर उससे पहले पहले बंद हो गया ब्लड, बल्कि उलमा ने तो यहां तक मसला लिखा है कि अगर चंद घंटों के बाद, पैदाइश के चंद घंटों के बाद भी ब्लड आना बंद हो गया, खून आना बंद हो गया निफास का, तो वो औरत पाक है, उसको कोई मुद्दत ही नहीं है। 4 दिन में बंद हो गया, 5वें दिन से पाक है, 8 दिन में बंद हो गया, 9वें दिन से पाक है, 15 दिन में अगर खून बंद हो गया तो वो 16वें दिन से पाक है। ये मैं उस खून की बात कर रहा हूं जो पैदाइश के बाद औरत को आता है। ये मसाइल खुलकर समझाना और समझना मेरे दोस्तों जरूरी है। हमारी जो दीनी बहनें हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने घर के महरमों के जरिए से उलमा से दीन को सीखें, समझें, गलतफहमी में न रहें। ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। ये तो ये पाकी नापाकी का मसला था, आज उसका टॉपिक था, थोड़ा उस पर मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। बहरहाल, इस लाइन के जो भी बातें आए आप कमेंट करें, अगर हमें अहम लगेगा कि तड़प है इल्म की, सही दीन पे चलने की, तो इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे, वरना तो दीन की बातें अपने महरमों के जरिए। हमारी दीनी बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि मोहतबर उलमा, मुस्तनद उलमा से जरूर सीखना चाहिए, जरूर मालूम करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझा दे, अल्लाह ताला दीन की बातें समझ कर बसीरत के साथ अल्लाह ताला हमारे लिए अमल करना आसान फरमा दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।